Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to our channel Code Library. If you are new to our channel, then please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. So, without wasting any time, let's start our video. Today, we are going to talk about another question of graph, and the question is search in a maze. This is the question search in a maze let's read the question and the question is rat in a maze problem one okay? That's a variant so basically consider a rat placed at 0 0 in a square matrix of order n cross n it has to reach the destination at n last find all possible paths that the rat can take to reach from source to destination direction in which the rat can move are up down left right value 0 in the cell in the matrix represent that it is a block मतलब जब तो जीरो दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं, मतलब वो ब्लॉक्ड है 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 ठीक ठीक थ्रू uh, मतलब जहां जहां वन रहेगा मतलब वहां से जाने का रास्ता है जहां जीरो है मतलब वो एक ब्लॉकेज है ठीक है और हमें यहाँ तो प्रिंट क्या करना है यहां पर हमें करना है फाइंड ऑल पॉसिबल पास दैट रैट कैन

और फिर उससे हम लोग शॉर्ट करके प्रिंट करेंगे शॉर्ट का ज़्यादा दिमाग मत लगाओ बस शॉर्ट कर देना हो गया ठीक है हम लोग को हर एक वेक्टर लेंगे सारा आंसर्स डाल देंगे फिर उसको शॉर्ट कर देंगे ठीक है तो पहले आते हैं हम लोग इसको क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझते हैं पहले ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है हमें ठीक है मैं ये एग्जाम्पल ले, ले रहा हूँ जहाँ जहाँ वन दिया हुआ है उसका मतलब हो रहा है कि वहाँ से हम लोग जा सकते हैं जहाँ ज़ीरो है इसका मतलब हम लोग वहाँ से नहीं जा सकते हैं यहाँ पर एक रैट है ठीक है यहाँ से वो स्टार्ट किया एक रैट उसको पहुँचना है इस इस पोजिशन में पहुँचना है ठीक है यहाँ से स्टार्ट करेगा और इस पोजिशन में उसे पहुँचना है ठीक है तो बस वो यहाँ से यहाँ पर कैसे आएगा ठीक है तो एक पोस्ट यहाँ पर दो बाउंड्री कंडीशंस है फॉर एग्जांपल यहाँ पर वन नहीं रहता ठीक है यहाँ पर जीरो रहता तो वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको स्टार्ट start, जो स्टार्टिंग पोजिशन तो वही ब्लॉक है तो वो वहां से कभी नहीं आ पाएगा यहाँ पर अगर स्टार्टिंग पोजिशन ही तुम्हारा मतलब जीरो दिया हुआ है तो ब्लॉक हो गया मतलब वहां स्टार्टिंग पोजिशन ही जीरो तो वो वहां से कहीं जा ही नहीं पाएगा तो उसका आंसर पॉसिबल नहीं है ठीक है और एक पॉसिबिलिटी अगर हम लोग का जो यहाँ पर मान लो यहाँ वन है ठीक है और यहाँ लास्ट पोजीशन में जीरो दिया हुआ है लास्ट पोजीशन में जीरो दिया इसका मतलब क्या हुआ कि इस पोजिशन में लोग कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे तुम कहीं से भी आओ और यहां पर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे मतलब क्या हो गया इसमें भी कोई पौ... मतलब आंसर पॉसिबल नहीं है एक भी आंसर पॉसिबल नहीं है अगर लास्ट में जीरो हुआ तो यहाँ पर दो केसेज आ गए कि जब हम लोग का बाउंड्री कंडीशन क्या हो गया कि स्टार्टिंग में अगर तुम्हारा जीरो है और लास्ट में अगर जीरो है तो आंसर पॉसिबल नहीं होगा ठीक है अब हम लोग मान लेते हैं कि स्टार्टिंग और लास्ट वाला जो कोऑर्डिनेट्स है वहां पर वन दिया हुआ है तो मतलब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट तक पहुंच सकते हैं और बीच में देखो यहाँ पर एक जीरो में एग्जाम्पल ले लो यहाँ एक जीरो दिया है इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर ऐसे आ रहे हैं यहाँ से ऐसे आ रहे हैं ऐसे आ रहे हैं ऐसे आ रहे हैं जैसे यहाँ से नीचे जाने लगे यहाँ पर हम लोग इसको क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जीरो दिया हुआ है जीरो मतलब कि वहाँ पर एक ब्लॉक दिया हुआ है मतलब वहाँ ब्लॉक कर दिया है रास्ता नीचे नहीं आया जा सकता ठीक है तो यहां से उसको बैक जाना पड़ेगा और फिर कोई दूसरा पाथ फॉलो करना पड़ेगा ठीक है तो ये सब यहाँ फंडा हो रहा है तो अब यहां पर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला था कि यू कैन कैन मूव आर अप डाउन लेफ्ट एंड राइट मतलब वो चारों डायरेक्शन में जा सकता है हर एक पॉइंट से ठीक है अगर हम लोग इस पोजीशन पे हैं तो यहां से हम लोग यहां भी जा सकते हैं यहां से हम लोग यहां भी जा सकते हैं और यहां से ऊपर और पीछे बट यहाँ का इससे ऊपर कैसे जाओगे वहां एक ब्लॉक है ठीक है मतलब बंद है ना रास्ता और पीछे भी नहीं जा सकते तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल तो एक क्या करता हूँ बीच वाला लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ले लेते हैं अगर हम लोग इस पोजिशन पे हैं ठीक है तो यहाँ से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं मतलब पॉसिबिलिटी मतलब कोई भी हम लोग एक पोजिशन पे है दिस इज वन पोजिशन एंड फ्रॉम हेयर वी कैन गो आइदर फ्रंट आइदर टॉप आइदर बॉटम और आइदर बैक मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन चारों डायरेक्शन में यहां से हम लोग जाया जा सकता है ठीक है यही मैं बस बोलने जा रहा चाह रहा था कि हम लोग हर एक पोजीशन से ऑल दी फोर डायरेक्शंस में जा सकते हैं ठीक इतना समझ गए अब हमें क्या बोला है कि यहां से यहां तक आना है तो पहले इस क्वेश्चन का पहले देखते हैं आंसर कौन कौन सा पॉसिबल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, डाउन डाउन राइट तो ऐसे जाओ देखो यहां पर ये पा, पाथ फॉलो कर रहे हैं डायग्राम बनाया हूं राइट ठीक है इधर आए हम लोग फिर डाउन फिर डाउन और फिर राइट डायरेक्शन दी यहाँ पर राइट डाउन डाउन राइट ये एक पॉसिबल आंसर हुआ सेकेंड क्या बोला है डाउन डाउन राइट राइट मतलब यहां से हम स्टार्ट किए डाउन डाउन राइट राइट ये एक पॉसिबिलिटी हुआ दूसरा बोला है डाउन राइट डाउन राइट तो डाउन राइट डाउन राइट ये एक आंसर पॉसिबल है और क्या बोला यहाँ यहां से यहां से राइट right, डाउन फिर यहाँ पर आ जाओ लेफ्ट फिर यहाँ पर डाउन फिर राइट फिर राइट देखो ये भी एक आंसर पॉसिबल है तो यह, यहाँ पर देखो मैं डायग्राम बना दिया इसे तुम लोग समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे पाथ लिए हैं देखो ये जो पाथ है, ये पाथ यहाँ पर कैसे करना है कहानी ठीक है तो लोग यहां से स्टार्ट किया यहाँ से कहा पॉसिबल था जाना हम लोग यहाँ जा सकते थे और एक नीचे जा सकते थे ठीक है तो अब एक यहाँ पर एक बाउंड्री कंडीशन क्या दिखा तुम्हें पहले तो हम लोग देख चुके थे कि यहां पर जीरो हुआ तो आंसर नहीं बन सकता यहां जीरो हुआ तो आंसर नहीं बन सकता सेकेंड केस क्या हो रहा है अगर हम लोग यहां पर है तो देखो यहां ऊपर नहीं जा सकते हम लोग क्योंकि यहां पर एक बाउंड्री है पीछे नहीं जा सकते क्योंकि यहां एक बाउंड्री है तो ये भी एक कॉर्नर केस हुआ ठीक है अगर हम इस पोजीशन पर रहते हैं तो इस पोजीशन से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते थे पीछे जा सकते थे ठीक है ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि बाउंड्री मतलब बाउंड्री आ जा रहा है इधर नहीं जा सकते बाउंड्री आ जा रहा है और देखो यहाँ से नीचे भी नहीं जा सकते बिकॉज यहाँ पर जीरो आ जा रहा है जहां जीरो आ जा रहा मतलब वो भी एक बाउंड्री है तो यहां भाई और एक केस आ गया कि हम लोग जब भी बाउंड्रीज आ गए या तो बाउंड्रीज या तो जीरो तो हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे जो पाथ हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहां पर बाउंड्री है यहां पर नीचे जीरो है जहां मतलब तुम नेक्स्ट पाथ चलने वाले हो और वहां जीरो आ जाए तो यू कैनोट प्रोसीड एंड इफ यू आर इन पोजिशन वे आर अप राइट लेफ्ट डाउन कहीं पर भी बाउंड्री uh, केस मतलब बाउंड्रीज आ जा रहे हैं तो तुम बाउंड्री को तो तोड़ के नहीं जा सकते ना आगे तो वो भी एक बाउंड्री हो गया ठीक है तो यहाँ पर ये यह सब हो गया फॉल्स केस कि गए मतलब किसमें किसमें हम लोग को रुक जाना है किसमें किस में नहीं जाना है इसका मतलब अब हम लोग आते हैं इसको कैसे आइट्रीट करना सिंपल सा बात है बस यहाँ पर तुम खड़े हो यहाँ से तुम चारों डायरेक्शन में भेज दो क्योंकि यू हैव टू काउंट ऑल दी पॉसिबल आंसर्स एंड यू हैव हैव टू यू यू टोल्ड दैट कैन गो इन ऑल फोर डायरेक्शंस

मतलब तुम यहां पर हो इस इस यहां पर हो ठीक है तुम यहां से इधर पर आए ठीक है तुम यहां से पीछे नहीं जा सकते वाई बिकॉज यू हैव ऑलरेडी विजिटेड दिस पोजिशन तुम इसको वापस विजिट कर चुके हो फिर क्यों जाओगे इधर नहीं जा सकते इधर कोई फायदा है जाके तुम वहीं पर ऐसे ऐसे इन्फाइनेटली ऐसे ऐसे करते रहोगे कोई कोई को लॉजिक नहीं बन रहा ठीक है तो यहाँ पर और एक कंडीशन आ गया कि अगर हम लोग वापस से कोई एलिमेंट में जा रहे हैं जो ऑलरेडी विजिटेड है तो इसका मतलब क्या हो गया, गया तुम कोई एक लूप बना दे रहे हो मतलब तुम वापस पुराने पोजिशन पर आ जा रहे हो तो वो कोई नया पाथ नहीं होगा जैसे यहाँ पर मैं एक मस्त सा एग्जाम्पल दे रहा देता हूँ ठीक है यहाँ पर देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ से पहले यहाँ पर आए ठीक है यहाँ से हम लोग इस डिरेक्शन में गए देखो सब नए नए जगह जा रहे हैं यहाँ से हम लोग यहाँ पर आए इस पोजीशन पे आए अब हम लोग क्या किए यहाँ से वापस यहाँ आने लगे तो क्या यहाँ पर आ सकते हैं वापस भाई क्यों आएंगे ये तो हम लोग पहले विजिट कर लिए यहां वापस है फिर यहाँ इस इसी में घूमते रहेगा ठीक है पर देखो ये एक आंसर हो सकता है फिर ये एक आंसर नहीं हो सकता क्योंकि तुम वापस उसी को क्यों विजिट कर रहे हो वो तो एक बार विजिट हो चुका है तो दैट्स वेर इज वन मोर कंडीशन द पोजिशन विच इज ऑलरेडी विजिटेड वी कैनोट गो टू गो इन दैट पोजिशन ठीक है तो ये और एक कंडीशन आ गया अब आते हैं यहां पर एक बैक्ट्रिंग ट्रिकिंग एक बैक्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा है कैसे हो रहा है यहां पर देखो यहां से सन लो यहां पर आए ठीक है तो क्या किया इसको विजिट कर दिए बिकॉज वी एव रीच वी हैव विजिटेड दिस पोजीशन पोजिशन विजिटेड कर दिया यहां पर आए इसको विजिटेड कर दिया यहां से मान लो यहां पर गए ये विजिटेड ये भी विजिटेड देखो यहां पर आ चुके तो विजिटेड हो गया यहां से सन लो जैसे इधर गए देखे क्या यहां पर जीरो दिया हुआ है

तो क्या होगा ये वापस पीछे आ जाएगा मतलब ये रास्ता वो फॉलो नहीं करने वाला अब वो वापस आ जाएगा तो हम लोग क्या इसको हम लोग वापस पुराने डायरेक्शन में भेज दिए और ये जो वन था इसको अनविजिटेड कर देंगे क्यों किए क्योंकि तो इसको हम लोग स्टार्टिंग में क्या किए थे यहाँ से हम लोग इस डायरेक्शन में आए और इसको विजिटेड कर दिए थे क्योंकि अपना पाथ में कंसिडर कर लिए थे बट हम लोग यहां से देख रहे हैं ना ही ऊपर जा सकते हैं ना ही इधर जा सकते हैं ना ही नीचे जा सकते हैं नीचे जीरो दिया तो नहीं जा सकते तो यहां से लो वापस आ जाएंगे मतलब इस पोजीशन को कंसीडर नहीं करेंगे to, uh, इसको करें, वापस लो आ जाएंगे। अब यहां से ये फॉलो है? यहां, पर आया। यहां से इधर आ रहे हैं ऐसे 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 आ रहे हैं तो फिर से जीरो है मतलब वापस हमको पीछे आना होगा तो इसका क्या मतलब हो रहा है हम लोग कोई भी अब ये वाला मिटा देते काम नहीं लग रहा मुझे ठीक है तो अगर हम लोग कोई भी हम लोग कोई भी एक पोजिशन पे है ठीक है हम लोग यहाँ से नेक्स्ट डायरेक्ट पोजिशन पे गए ठीक है यहाँ से नेक्स्ट पोजिशन पे गए मान लो ये पोजिशन ब्लॉक्ड है ठीक है और इसके नीचे भी ब्लॉक्ड है ठीक है ऐसे करके कुछ है यहाँ से हम लोग यहाँ पर गए यहाँ से यहाँ पर गए ठीक है ये भी ब्लॉक्ड है ये भी ब्लॉक्ड है ठीक है ये देख रहा है ऊपर नहीं जा सकते यहाँ नहीं जा सकते नीचे नहीं जा सकते तो इसका मतलब इस पोजिशन में कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ से तुम कोई भी डायरेक्शन में नहीं जा सकते तो वापस आ जाएंगे और दिस पोजिशन को हम लोग अनविजिटेड कर देंगे फिर यहाँ से नीचे जाने का कोशिश किए कोई फायदा नहीं नहीं जा सकते नीचे क्योंकि नीचे जीरो दिया हुआ है यहाँ से ऊपर भी नहीं जा सकते और यहाँ से तो घूम के आ चुके हैं मतलब ये वाला पोजीशन भी फॉल्स हो गया मतलब यहाँ से कहीं नहीं जा सकता जाया जा सकता यहाँ से हम लोग वापस आ जाएंगे मतलब इसको भी अनविजिटेड कर देंगे इस इस पोजीशन को भी हम लोग अनविजिटेड कर देंगे ये पोजीशन है ये पोजीशन पोजिशन तो यहां से हम लोग कहीं आगे नहीं जा सकते ठीक है इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे हैं मतलब जहां पर गए हम लोग और वहां से देख रहे हैं कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जाने का कहीं पर तो वहां से हम लोग वापस आ जाएंगे और वहां पर हम लोग क्या करेंगे उसको अनविजिटेड कर देंगे बैक ट्रेकिंग का मतलब यही होता है तुम कोई भी तुम कोई भी डायरेक्शन में जा रहे हो वहां पर तुम देख रहे हो वहां से तुमको कोई आ, मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रहा है। मतलब तुम वहां से कहीं नहीं जा पा रहे हो तो तुम वापस आने लगोगे और उसको जैस तुम बिगाड़ के गए थे वापस ठीक कर दोगे बिगाड़ना इन द सेंस तुम यहाँ से इधर गए ठीक है तुम क्या किए इसको कलरिंग कर दिए मान लो यहाँ कलरिंग कर दिए तुम देख रहे हो यहाँ से और कहीं कलर नहीं किया जा सकता तो तुम क्या करोगे यहाँ से वापस आएंगे तो इसको हम लोग कलर किए थे तो वापस इसको अनकलर कर देंगे मतलब हम लोग वापस आए तो इसको वापस ठीक कर देंगे मतलब मिटा देंगे जो कलर किए थे बैक ट्रैकिंग मतलब वही हो गया तुम कोई डायरेक्शन में जाओ वहां से तुम नहीं कहीं जा पा रहे हो तो वापस आ जाओ उसको तुम जो बिगाड़ के गए थे उसको ठीक कर दो और वापस आ जाओ बस यही है बैक ट्रैकिंग तो यहाँ पर सिंपल है तुम हर एक हर एक पोजिशन से तुम चारों डायरेक्शन में जाओ मतलब बे, बेसिकली जाओगे तुम्हें डी एफ एस चलाना है हर एक पोजिशन से तुम चारों तरफ एक्सप्लोर करना है ठीक है चारों डायरेक्शन पे जाओ और वहां से तुम लास्ट तक अगर तुम इस पोजिशन तक पहुंच पाए तुम इस तक अगर पहुंच पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर हो गया और उसको आंसर में डाल देंगे एक बार हम लोग सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं सिंपल से यहां समझाता हूं यहाँ पर हम लोग का पहले मैं यहाँ पर ग्लोबल वेक्टर ले चुका हूँ स्ट्रिंग वाला जिसमें आंसर स्टोर किया हूँ ठीक है स्टोर करूंगा उसे क्लियर कर दिया एक वेक्टर और वेक्टर बना रहा हूँ विजिटेड मतलब एक विजिटेड वेक्टर होना चाहिए ना टू डी वैक्टर जिसमें मैं आपको क्या बोला था कि कोई भी अगर विजिट हो गया तो उसको वापस हम लोग नहीं विजिट करेंगे मतलब जो पहले से विजिटेड है वहाँ वापस नहीं आ सकते इसलिए मैं विजिटेड बना रखा हूँ ठीक है यहाँ पर मैक्स क्रॉस मैक्स साइज का ठीक अब यहाँ पर हम लोग चेक कर लिए अगर फर्स्ट पोजिशन ही जीरो है ये देखो ईयर हम लोग का मैट्रिक्स है ठीक है एम अगर फर्स्ट पोजिशन ही जीरो है तो मतलब हम लोग आंसर नहीं पॉसिबल डायर वी रिटर्न कर देंगे अगर लास्ट पोजिशन ही जीरो है तब भी वी रिटर्न कर देंगे क्योंकि मैं तुम्हें दो कंडीशन बता रखा था लास्ट पोजिशन फर्स्ट पोजिशन ही जीरो है तो आंसर कोई पॉसिबल नहीं है यहाँ मैं एक स्ट्रिंग ले ले रहा हूँ एस डी एफ एस चलाया मैं जीरो जीरो एस एम एन विजिटेड ठीक है ये सब क्या है जीरो जीरो है स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो कम और जीरो एस तुम्हारा ये स्ट्रिंग मतलब जिसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं ना पाथ अप राइट लेफ्ट डाउन ठीक है एम हो गया मैट्रिक्स एन हो गया तुम्हारा साइज और विजिटेड हो गया विजिटेड वेक्टर ठीक है

यहाँ से इधर जाने की कोशिश कर रहे हो इधर कोशिश कर रहे हो ये बाउंड्री कैसेज हो गए तो दैट्स वी हैव चेक दिस अगर तुम्हारा आई जीरो जीरो से छोटा हो जा रहा है जे जीरो से छोटा हो जा रहा है आई एन से बड़ा जे एन से बड़ा तब रिटर्न मतलब आंसर उसके बाद नहीं बनने उस डेक्शन के आगे नहीं जाना है ठीक है अब और एक केस क्या था अगर हमारा जो एलिमेंट है वो जीरो है ठीक है तो इस जीरो से मतलब क्या हो गया कि मतलब वो ब्लॉक है तो उसके आगे नहीं जा सकते या तो वो विजिटेड है वो पोजिशन मैं दो ही और दो कंडीशन बताया था ना अगर हम लोग का जो पोजीशन है जो पोजिशन वो जीरो दिया हुआ है मतलब क्या हुआ वहां से हम लोग आगे नहीं जा सकते तो बैक करेंगे और वो पोजीशन पहले से विजिटेड है तो मतलब फिर बैक करेंगे तो रिटर्न अब आ जाएगा दूसरा कंडीशन अगर हम लोग लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं आई डबल इक्ल टू एन माइनस वन जी डबल इक्ल्स टू एन माइनस वन लास्ट पोजीशन पे पहुंच गए डायरेक्टली उसका आंसर वी में डाल देते वो स्ट्रिंग को और रिटर्न कर देंगे ठीक है लास्ट में पहुंच गए वापस आ जाओ ठीक है विजिटेड ऑफ़ को वन कर देंगे इसके बाद ये चलने के हम लोग विजिटेड आई जे को वन कर दिए इसका मतलब क्या हो गया कि जो पोजीशन मतलब क्या हुआ वो बाउंड्री कंडीशन को भी सब ट्रू है मतलब बाउंड्री में नहीं है वो और ये सब कंडीशन में भी नहीं गया मतलब अब हम लोग वो नया पोजिशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो उसको विजिटेड कर दो और वहां से चारों डायरेक्शन में तुम रिकर्शन को सेंड कर दो मतलब i 1 j i जे j i j 1 और i j 1 मतलब तो चारों डायरेक्शन में सेंड कर दो और ऊपर भेज रहे हो तो s में u ऐड कर दो नीचे डाउन भेज रहे हो तो s d लेफ्ट भेज रहे हो तो s l राइट भेज रहे हो तो s r जो डायरेक्शन में भेज रहे हो वो वाला ऐड कर दो ठीक है और फिर यहाँ विजिटेड ऑफ i j को मैं जीरो कर रहा हूं ये dfs के नीचे क्यों मैं क्या बोला था अगर तुम कोई कंडीशन पे आए जहां से कोई एक्सप्लोरेशन का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं तुम्हें वापस आना होगा मतलब उस पोजीशन को वापस ठीक करके जाना होगा तो तुम तो उसे विजिटेड कर चुके थे तो वापस आओगे तो उसे वापस जीरो कर देना होगा जिससे कोई नया पॉसिबिलिटी वाला आंसर बनेगा तो उसको वो विजिट कर पाएगा ठीक है अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर इसको नीचे फिर शॉर्ट करके उसको रिटर्न कर दे रहे हैं शॉर्ट करने क्यों बोला गया यहाँ बोला था वी हैव टू प्रिंट दिस शॉर्टेड वेक्टर

और इंडिविजुअल पोजिशन से हम लोग फोर डिरेक्शन में जा रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया पहले यहां देख लेते हैं कि आंसर यहाँ पर सही हो चुका है ठीक है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग मैट्रिक्स एंडस स्क्वायर मैट्रिक्स चला रहे हैं ना यहाँ पर देखो यहाँ पर हम लोग पूरा इंडिविजुअल पोजिशन से लूप चलाएंगे मैट्रिक्स पूरा चलेगा और हम लोग देखो इंडिविजुअल पोजिशन से यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल पोजिशन से हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर चारों डायरेक्शन में सेंड कर रहे हैं मतलब हर एक पोजिशन से चार डायरेक्शन में जाया जाना हो रहा है मतलब एन स्क्वायर पोजिशन है तो सब हर एक के लिए चार डायरेक्शन मतलब स्क्वायर स्क्वायर का पावर फोर. N थे और ईच के लिए हम लोग चार डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो इसलिए स्क्वायर का पावर फोर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं रिक्वायरमेंट भी एन स्क्वायर का पावर फोर था ठीक है वो समझ गए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले रहे हैं तो हो रहा है एल इंटू एक्सर एल इज लेंथ ऑफ पाथ एंड द्स इज नंबर ऑफ पाथ देखो हम लोग का जो विजिटेड वेक्टर है विजिटेड नहीं जो अपना आंसर वेक्टर हम लोग क्या कर रहे हैं नंबर ऑफ पाथ हम लोग देखो एक्स नंबर ऑफ पाथ घुसा रहे हैं उसमें वेक्टर में पुश कर एक तरफ समझो एक्स नंबर ऑफ जो तुम्हारा uh, वो है आंसर वो वी में घुसा हुआ है और जो वो, अपना वो जो पाथ है उसका जो लेंथ है उसको तुम एल पकड़ लो इसलिए एल इन टू एक्स हो गया तो ये हो गया स्पेस टाइम हो गया तुम्हारा का पावर फोर, तो हो भी इफ एंड स्कूल तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करो हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो ये ग्राफ का सीरीज सब कुछ देख सकता है पूरा बेसिक से बता रहा हूँ ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए